Hello everyone, assalamu alaikum, hope all is well. Today I came with another remedy, home remedy. With this, जैसा कि मेरे हाथ में नजर आ रहा है, I came after a very long time because I was very busy in family gatherings and all that. ये देखिए मेरे हाथ पे भी tan इतना हो रहा है, मेरे हाथ भी because of going to lakes and beaches. So मैं कोई भी रेमेडी नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं इसमें भी वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं ये वाली रेमेडी भी लेकर आऊँगी जो मैं अपने हाथ और अपने पैरों पे यूज़ कर रही हूँ. तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूँगी. ये एक फ्रूट है, ये ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ये मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है. ये बताऊँगी इसको कैसे लगाना है और इसके फेस पैक कैसे बनेगा, कौन कौन क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी लेडीज़ इसको यूज़ कर सकती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट. इसको रेमेडी बनाने के लिए थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं. ये जो मैंने मुझे बता रही थी, जो मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ है, ये है एवोकाडो. एवोकाडो या फिर जो है ये ऐसे नज़र आता है, एवोकाडो. इसको एवोकाडो ही कहते हैं. मुझे इसका उर्दू नेम मैंने गूगल किया, मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. और जो है ये इसकी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है. सो ये इसी तरह से एवोकाडो मिलता है. मुझे नहीं पता एशिया में या हमारे कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अब हर जगह अवेलेबल है, हो ही जाता होगा. इसका ऑयल भी मिलता है, ये ऑयल फॉर्म में ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट करके इसका ऑयल भी बनाया जाता है. इसको जो है वो क्रीम्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है. इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सो मैं इसके बेनिफिट्स पहले बता देती हूँ. इसको एवोकाडो कहते हैं. इसके अंदर विटामिन सी है, बी है, B5 है, B6 है, विटामिन ई भी है. इसमें पोटेशियम जो है वो बनाना से भी ज़्यादा है. और जो है ये जिंक है, फॉस्फोरस है इसके अंदर, और ये सोर्स ऑफ मैग्नीशियम और आयरन भी है. सो इट्स अ वेरी गुड फ्रूट जो नज़र आ रहा है ये. और इसको लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, बहुत फिलिंग होता है. टेस्ट के अंदर टेस्टलेस. ये टेस्ट में इतना अच्छा नहीं होता. तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है ब्लेंड कर लिया. इसको ब्लेंड करना भी थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मैंने जो है वो दही के अंदर एक एवोकाडो लेकर इसको ब्लेंड कर लिया. ये इस तरीके से दही के पानी में, जो दही का वॉपर का पानी होता है, उसके अंदर इसको ब्लेंड कर लिया. तो इसकी ये इस तरह से फॉर्म आ जाती है. कोशिश करें कि लम्स फ्री ब्लेंड हो जाए, थोड़ा सा अच्छा स्मूथ हो जाए, पेस्ट फॉर्म बन जाए, इतना लिक्विडी ना हो. तो ये मैंने एक बाउल ले लिया है. इसके अंदर मैं खाली जो है वो एक, इस वक्त हम एक पैक बना रहे हैं, खाली एक फेस के लिए बना रहे हैं. और अगर इसमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा भी हो गया तो आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तो ये केमिकल फ्री है. सो हमने 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ले लिया. चलें खाली, ये दही के साथ मिक्स है, तो इसमें याद रखें 2 इन्ग्रीडियंट तो हो गए, यानी कि दही और एवोकाडो. अब मैं इसके अंदर मैं डालूँगी एलोवेरा. एलोवेरा ये मेरे पास फ्रीज हुआ हुआ होता ही है, तो ये मैं इसके 2 टीस्पून ले रही हूँ. इसके भी चाहे तो आप ये वाला ले लें, चाहे तो जो बॉटल्स में पैक आता है वो ले लें, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ 2 टीस्पून ले रही हूँ, क्योंकि इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के. ये रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, डार्क रिंकल्स को इम्प्रूव करता है, फर्मनेस लेकर आता है स्किन के अंदर. और ये जब मिल जाता है इसके साथ, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. ये हो गया हमारे 3 इन्ग्रीडियंट. नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट विच आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ माई वाइटामिन ई. सो हमें वाइटामिन ई के ये 2 कैप्सूल्स ही यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक फेस पैक में 2 काफ़ी होते हैं. तो मैं इसको 2 विटामिन ई कैप्सूल्स जो हैं वो डाल रही हूँ. अपने फेस पे लगा लिया. और अब मैं बताऊंगी इसको लगाना कैसे है. इसको लगाकर जैसे मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, इसी तरह से ये लगेगा. और लगाकर इसको छोड़ दें जब तक ये ड्राई हो जाए, उस वक्त तक के लिए. हर एज की लेडीज़ इसको यूज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है. मतलब बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर टीनेज लड़कियाँ हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं. इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इसमें ऑर्गेनिक है. और जो है हफ्ते में 3 दिन इसको यूज़ किया जा सकता है बहुत आसानी से. इसमें कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है. इसको फ्रीज अगर करना चाहें तो इसके अंदर जो है वो उसको इन सब चीज़ों को मिलाकर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा तो रहेगा नहीं,
तो इसको मिलाया इसी तरह से एलोवेरा और इसके अंदर मिलाकर, चाहे वाइटामिन ये बाद में डाल लें जब इसको जब भी यूज़ करना हो, उसको मिलाकर रख लिया। और ये फिर जो है जब भी वो लगाने के लिए इसके न्यूट्रिशन जो है सेफ हो जाएंगे फ्रीज करने से। इसको हर किस्म की लेडीज़ उसको मैंने बता दिया यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड वन। ये स्किन को फर्म करेगा, जो हमारे डार्कनेस हो गई है स्किन पे उसको इम्प्रूव करेगा, आपके जो है सर या आपके जो है पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसमें वाइटामिन सी है, वाइटामिन बी भी है, वाइटामिन ई भी इसके अंदर शामिल है, वाइटामिन ई मैंने और भी ऐड कर दिया। सो इट्स अ वेरी गुड वन। इसको खाना भी फ़ायदेमंद है, इसको लगाना भी फ़ायदेमंद है, और जो है इसका यूज़ बहुत बेनिफिट है। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते घरों में, लेकिन करना चाहिए वाकई, कभी कभी इसको खा लेना चाहिए। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आप लोग गूगल कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से इसको लगाएंगे और लगा कर छोड़ दें, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये अगर आपको अच्छी लगे रेमेडी और इसके बेनिफिट्स नज़र आए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।